एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं कि आप अपने जो YouTube अकाउंट है उसका 2 स्टेप वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स आप कई सारे नए नए क्रिएटर होते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता कि मैं अपने YouTube अकाउंट्स का 2 स्टेप वेरिफिकेशन कैसे करता हूं, जिससे कि अगर मेरे अकाउंट्स को कोई हैक भी कर लेता है तो उसका मेरे को बैकअप चाहूं तो मैं ले सकता हूं। तो फ्रेंड्स, 2 स्टेप वेरिफिकेशन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस आपको उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन किए करेंगे नहीं जब तक आपका जो YouTube अकाउंट है, जो YouTube चैनल है, क्रिएट नहीं होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, पहले जो था 2 स्टेप वेरिफिकेशन किसी और तरीके से होता है, पर लेकिन इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम पे जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन हो रहा है वो कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक नया चैनल बना के दिखाऊंगा और 2 स्टेप वेरिफिकेशन करके दिखाऊंगा, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक कि क्या क्या प्रोसेस होता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरे साइड स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको अपने क्रोम ब्राउजर में जाना है। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद तो आपको ये इंटरफेस दिखेगा, छोटा दिखेगा, तो आपको यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डेस्कटॉप का मोड दिखेगा। डेस्कटॉप पे आपको क्लिक करना है। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद आपका जो है यूट्यूब जो है आपका इस तरह से खुल जाएगा। तो मैं आपको एक फटाफट एक नया चैनल क्रिएट करके दिखाऊंगा और बताऊंगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन कैसे हो रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स पहले से 2 स्टेप वेरिफिकेशन अलग हो गया। तो फ्रेंड्स, एक ये जीमेल है, इस जीमेल पे मैं क्लिक करके इसमें मैं अपना YouTube अकाउंट क्रिएट करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे योर चैनल दिखेगा, बट लेकिन मेरा चैनल है ही नहीं, तो इस पर योर चैनल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको चैनल क्रिएट करने को बोल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो करना है, ये चैनल जो क्रिएट करना है उसके लिए आप क्या करना है, कस्टमाइज चैनल देख पाए, चैनल बनानी है, चैनल बनाने को बोल रहा था, आपको इसको चैनल बनाना है, बना हुआ नहीं है चैनल, ये इसका नाम देना और वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ करना। तो वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ करके दिखाऊंगा 1 बाय 1, क्योंकि फ्रेंड्स जो है फर्स्ट इस टाइम पे ऐसा हुआ कि काफी ज्यादा जो चेंजिंग हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसमें देख पाए वेलकम टू यूट्यूब स्टूडियो। तो फ्रेंड्स, ये इसमें कह रहा है कि आपका यूट्यूब पे वेलकम है और आपको स्टार्टिंग करना है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिख पाएगा, ये सेटिंग के ऑप्शन पर जाओगे। सेटिंग के ऑप्शन पर जाने के बाद फ्रेंड्स, जैसे ही आप ये चैनल में जाओगे तो चैनल में जाने के बाद सबका ये रहता है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन में हम क्या डालें और बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल वाइज बता रहा हूँ कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका क्या होता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन और आपका कब यूज होता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन होता है जिसमें अगर आप चाहोगे तो इसमें अगर आप कोई भी कंट्री जिसमें आप वीडियो बना रहे हो या जहां से आप रहने वाले हो, सपोज दैट मैं अगर इंडिया से हूं तो अपना मैं इंडिया ही सिलेक्ट करूंगा। अगर आप किसी और देश से या कहीं से है तो आप उसमें चाहो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं इंडिया से हूं तो इसमें इंडिया देखेंगे तो फ्रेंड्स आपको इंडिया मिल जाएगा। इंडिया आपको सर्च करके और इसमें क्लिक करके रख देना। और कीवर्ड्स आपको क्या रखना, कीवर्ड्स फ्रेंड्स सबका अच्छी बात है और सबसे पहली बात बताऊंगा कि आपको कीवर्ड्स क्या रखना है। तो फ्रेंड्स, कीवर्ड्स आपको रखना जो आपका चैनल का नाम है, जो भी आपका चैनल का नाम रखना चाहते हो, जो भी आप अपने चैनल का नाम रखना चाहते हैं कि मैं टैक्स रिलेटेड जो भी चैनल रखता हूं तो आपका नाम जो भी चैनल का है उसके अकॉर्डिंग लिख दो। जैसे कि फ्रेंड्स, मेरा जो चैनल का नाम है जितेश होगा, फिर उसके बाद मैं रखूंगा उसके बाद टेक्निकल, जो भी फ्रेंड्स मैं अपने जो चैनल का नाम रखना चाहता हूं उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें कीवर्ड जानना है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं, इसमें आप चाहो तो कीवर्ड्स आप चाहोगे खुद तो सर्च कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं कि आप इसमें वही कीवर्ड्स डालोगे जो आपके चैनल जिस रिलेटिव आप वीडियो डालते हो, जैसे टैक्स रिलेटिव डालते हो तो टैक लिख दोगे इसमें, या तो कोई आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालते हो तो इन्फॉर्मेटिव, या फिर टीचिंग से रिलेटेड डालते हो तो टीचिंग, जैसे कि एसएससी ग्रुप डी वगैरह की, तो जो भी चाहो तो डाल सकते हो। सेकंड है एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग आपका कब यूज करना है और इसमें के बेनिफिट क्या है और क्यों इसको जरूरी है इसको करना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले दिखा दूं आपको कि फ्रेंड एडवांस सेटिंग में ये होता है कि आप चाहो तो इसमें सब्सक्राइबर्स हाइड कर सकते हो, सब्सक्राइब चाहे तो अनहाइड कर सकते हो। आप ये देख पाओगे जैसा कि सब्सक्राइबर्स काउंट जो आ रहा है इसमें मैंने क्लिक कर रखा है, इसको मैं अनक्लिक कर दूंगा तो मेरे सब्सक्राइबर्स हाइड हो जाएंगे और आपको नहीं दिखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके करने के बाद फिर आपको फीचर्स एंड एनेबल, फीचर्स एंड एनेबल पे आओगे तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख पाओगे, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ मेरा एनेबल नहीं है, बंद है मेरा, तो मुझे फोन वाला भी एनेबल करना है। प्लस आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप देखना कितना हार्ड हो गया पहले से ज्यादा, क्योंकि ये पोर्सन जो था ना, ये वाला जो फीचर्स एंड जो था ये 3rd वाला पार्ट, इस पार्ट में जो पहला वाला पार्ट तो इजिली था बट लेकिन 2nd और 3rd पार्ट पहले से काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। तो आपको दिखाऊंगा जैसे आप 2nd वाले पे एनेबल वाले पे क्लिक करोगे तो एनेबल वाले पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले आपको इसमें फोन नंबर से वेरिफिकेशन हो जाता था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख पाओगे फोन नंबर से वेरिफिकेशन हो जाता है, बट लेकिन फ्रेंड फोन नंबर से वेरिफिकेशन तो होगा ही होगा, बट लेकिन उसके लिए आपको खुद दिखाऊंगा कि काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और काफी ज्यादा अलग ही प्रोसेस इसका चेंज ही कर दिया इसका प्रोसेस, जैसा कि दिखाऊंगा आपको मैं। जैसे आप फोन वेरिफिकेशन क्लिक करोगे, थोड़ा टाइम ले रहा है, और ये आपका जो फोन नंबर डालोगे तो फोन नंबर से वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद फिर जो अगला फीचर आएगा वो काफी ज्यादा हार्ड है और अलग है, अब देख पाओगे जैसे कि आप अभी थोड़ा प्रोसेस लेता है, टाइम ले रहा है, तो ये जल्दी हो जाएगा थोड़ा। सो जैसे फ्रेंड्स आप देख पाओगे यहाँ पे इंडिया आपका सिलेक्ट हुआ रहेगा, तो इसमें आपको नंबर अपना डालना, जो भी मेरा नंबर है मैं नंबर अपना डाल देता हूँ। तो मैंने अपना नंबर डाल के इसमें गेट ओटीपी कर दे, गेट ओटीपी करते फ्रेंड्स ये मेरा देख पाए लिख पा रहा फोन वेरिफिकेशन इन फर्स्ट, ये फर्स्ट वेरिफिकेशन हो रहा है, सेकंड नहीं हो रहा है, फर्स्ट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो फ्रेंड्स जैसे ही इस पे जाएगा तो फ्रेंड्स इस पे एक ओटीपी आया, मैं ओटीपी इस पे डाल देता हूं। तो फ्रेंड्स इसको वेरीफाइड करके सबमिट कर दो। जैसे इसको फ्रेंड्स मैं सबमिट कर दूंगा, सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स लिख दो रहा तो कांग्रेचुलेशन योर फोन नंबर इज बीन वेरीफाइड। फ्रेंड्स मेरा अभी फोन नंबर ही वेरीफाई हुआ है, फर्स्ट वेरिफिकेशन हुआ, सेकंड वेरिफिकेशन अभी नहीं हुआ है। और सेकंड वेरिफिकेशन में भी देखना आपको कितना चक्सू मतलब काफी ज्यादा मेहनत लग जाएगी। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो फ्रेंड्स आपका फर्स्ट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है आपका, देखना भी दिखाएगा फर्स्ट वेरिफिकेशन यू हैव कंप्लीटेड, बट लेकिन सेकंड वेरिफिकेशन करना काफी ज्यादा पहले से हार्ड हो गया। अब देखेंगे अभी आप जो नीचे वाला जो वेरिफिकेशन था ये कंप्लीट हो गया, 3 वेरिफिकेशन में से 2 वेरिफिकेशन मेरे कंप्लीट हो गया, पर जो लास्ट वाला वेरिफिकेशन इस पे अगर आप क्लिक करते हो, जैसे इस पे मैं इस पे एनेबल और क्लिक करता हूं तो फ्रेंड्स नीचे देख पाओगे कि लिखा है जो फीचर्स। फ्रेंड्स इसको देखोगे आप खुद तो आप खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे यार, इतना हार्ड वेरीफाइड कैसे होता है यार ये। फ्रेंड्स आप देख पाओगे इसमें जो वेरिफिकेशन होगा 3 तरीके से वेरिफिकेशन होगा, आप देख पा रहे हो। यूज वीडियो वेरीफाई, यूज वीडियो वेरीफाई का मतलब फ्रेंड्स आपको फेस टू फेस वीडियो बनानी, जैसे मैं वीडियो आपके थ्रू बना के बता रहा हूँ वैसे आपको फेस टू फेस वीडियो बना के वेरीफाई करना। सेकेंड, यूज वैलिड आईडी, जो भी आपकी आईडी है, चाहे आपका आधार कार्ड है या पैन कार्ड है, जो भी आपकी आईडी उसके द्वारा वेरीफाइड हो। क्योंकि फ्रेंड्स पहले ये फीचर नहीं आता था, ये जो फीचर आप देख पा रहे हो, पहले ये फीचर आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूं, पहले आप ये फीचर देखोगे तो नहीं आता था। तो फ्रेंड्स इसको वेरीफाई होने में भी ना एक दिन का टाइम लगा, अगर आप अभी वीडियो बना के फर्स्ट अगर अभी वीडियो बना के फेस टू फेस माय नेम इज जितेश ऐसा कुछ आपको बताना है कि माय नेम इज जितेश माय यूट्यूब चैनल दिस, मतलब आपको ऐसा बताना, आप उसमें बताओगे तो आपको फिर वेरीफाई करेगा और एक दिन का टाइम लगा, एक दिन बाद ही आपका चैनल फिर स्टार्ट हो पाएगा। पहले होता था कि फ्रेंड्स आपने फटाफट चैनल क्रिएट किया, वीडियो अपलोड किया और डालना चालू कर दिया, बट लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको वेरीफाई करना फेस टू फेस यूट्यूब को दिखाना है कि मैं ही वो बंदा हूं जो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा और जो मैं क्रिएटर हूं एक। तो जैसे आप फेस टू फेस वाले कंटेंट पे जैसे वेरीफाई करोगे उसके बाद क्या आएगा, गेट यूज जीमेल। तो आपको जीमेल है ना, ये जीमेल आप देख पा रहे हैं जो विष्णु कुमार सिंह के नाम से जीमेल है, इस जीमेल पे एक लिंक जाएगा जिस लिंक के थ्रू आप चाहो जाके आपको वेरीफाई अपने आप को स्वयं को करना है। तो आप देख पाओगे जैसे मैं गेट ईमेल पे गया, मैं और गेट ईमेल पे गया और डन किया, तो क्या हुआ मेरे ईमेल पे, मेरे ईमेल पे वो गया है, देख पाओ फ्रेंड्स यहाँ से हट गया ये। और मैं आपको अपने जीमेल पे जाके दिखाता हूँ, जैसे अपने जीमेल पे गया, मैं यहाँ अपने जीमेल पे गया और जीमेल पे जाके आपको दिखाऊंगा कि जो मेरे को मेल आई है वो क्या आई है। ये मैं गया फ्रेंड्स अपने जीमेल पे, एक बार जीमेल देख ले कौन सा होना है। तो फ्रेंड्स मेरा अभी जीमेल जो है ऑन हो रहा है, देख पा रहे जैसे कि ये जीमेल मेरा अभी ऑन हो रहा है, ये एक मिनट। सो जैसे फ्रेंड्स आप देख पाओगे मेरे जीमेल पे एक मेल आया है, ये देख पाओगे जैसे फ्रेंड्स ये मेल आया है जो आया है यूट्यूब की तरफ से, आप देख पा रहे हो यूज वीडियो वेरिफिकेशन टू गेट एडवांस यूट्यूब फीचर। तो फ्रेंड्स ये जो यूट्यूब के जरिए है, यूट्यूब के मतलब वो है कि वेरीफाई आपको कर रहा था। फ्रेंड्स देख पा रहे हैं, हम थोड़ा आपको पढ़ के बता दूँ, वंस टाइम एंड वीडियो वेरिफिकेशन विल बी गेट यू एसोसिएट, मतलब ये कहना चाहता फ्रेंड्स कि आपको जो फेस टू फेस आपका जो भी चैनल का नाम है, आपका नाम क्या आपको बताना है वीडियो कॉल के या वीडियो से थ्रू। तो स्टार्ट वेरिफिकेशन में जैसे आप क्लिक करूंगा तो फ्रेंड्स आप देख पाओगे स्टार्ट होगा, कैमरा मेरा फ्रंट कैमरा स्टार्ट हो जाएगा और उसमें मुझे बोलना पड़ेगा कि माय नेम इज और माय चैनल नेम इज दिस, ये आपको बोलना पड़ेगा। अभी देख पाएंगे थोड़ी देर में स्टार्ट हो रहा है। नहीं गया ना। सो फ्रेंड्स देख पा रहे जैसे कि ये स्टार्टिंग हो गया, जैसे आप देख पा रहे एग्री करने को बोल रहा है, जो स्टार्ट करने को बोल रहा है, तो आपको अलाउ पे क्लिक करके आई एग्री कर देना है। आई एग्री करने के बाद फ्रेंड नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको अलाउ जो परमिशन बोलेगा, परमिशन आपको अलाउ कर देना। देख पाएंगे फ्रेंड जैसे ये कैमरा मेरा स्टार्ट हो रहा है और इसमें मुझे बोलना है अपने बारे में। देख पा रहे 1 मिनट तक मुझे इसमें बोलना है। बोलने के बाद फ्रेंड्स देख पाओगे जैसे 1 मिनट तक मैं इसमें बोलता हूँ तो फिर इसके बाद देख पाओगे ये कह रहा है रोंग कुछ, मतलब बोल रहा है टूल, मतलब हेलो। तो फ्रेंड्स देख पाओगे इसमें बोल रहा है कि इसमें क्या बोलना है। उसमें मेरे को अपना नाम बोलना है, तो हेलो माय नेम इज जितेश, माय चैनल इज टेक्निकल किलर। माय नेम इज जितेश कुमार, माय चैनल नेम इज टेक्निकल किलर। माय नेम इज जितेश कुमार, माय चैनल नेम इज टेक्निकल किलर। सो फ्रेंड्स जैसा आप देख पा रहे हो कि मैंने जो बोल दिया फिर वो स्कैनिंग कर रहा है चारों तरीके से, चारों तरफ से देख पा रहे जैसे कि ये। तो स्कैनिंग करने के बाद आपको ये पूरा, मतलब स्कैनिंग करने में थोड़ा सा प्रोसेस लेता है, आईज वगैरह सब कुछ वगैरह। देख पा फ्रेंड्स ग्रीन लाइट, ग्रीन शो कर रहा, मतलब ये कैप्चर पूरा कर चुका है। अब ये एक बार और प्रोसेसिंग वेरिफिकेशन के लिए कर रहा है ये। तो फ्रेंड्स जैसे देख पा रहे मेरा ये हो गया और ये बोल रहा है कि इसको, अब इसको यस हो चुका है तो इसको बोल रहा है अपलोडिंग करने के लिए बोल रहा है। तो फ्रेंड्स ये ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा, जैसा कि देख पाएंगे फ्रेंड्स ये अपलोडिंग होना स्टार्ट हो गया। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे लिखा हुआ है इसमें कि योर वीडियो इज रिव्यू, मतलब ये वीडियो रिव्यू के लिए जा रहा है और इसको सेलेक्ट करेगा। अगर आप रियल बंदे हो, अगर आप रियल में ही आप हो तो ये आपका जो है 24 आवर्स में देखना। थैंक यू फॉर सबमिट योर वीडियोज वेरिफिकेशन, गूगल नाउ नीड टू रिव्यू यू वीडियोज दिस जो है 24 आवर्स। तो फ्रेंड 24 घंटे के अंदर में वेरीफाई करेगा, फिर आपका चैनल है जो 24 घंटे में क्रिएट होगा। क्योंकि फ्रेंड्स पहले जो होता था कि आप चाहोगे तो हाथों हाथ चाहे 10 मिनट में 5 मिनट में यूट्यूब चैनल क्रिएट करके आप वीडियो अपलोड करना चालू कर देते, बट लेकिन ऐसा अब नहीं हो रहा। देख पा रहे 24 घंटे करीब लग जा रहे हैं आपको वीडियो अपलोड करने में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी भी आप देखोगे तो यहाँ पे जो है आपका जो चैनल है ये अनेबल नहीं हुआ पड़ा, क्योंकि फ्रेंड्स ये साफ साफ लिख दिया है कि 24 घंटे बाद ही आपका ये होगा। क्योंकि फ्रेंड्स आप देख पा रहे जो मेल आई है मेरे पास, जो रिटर्न मेल आई है देख पा रहे 24 घंटे में ही वीडियो जो है आपका ये हो पाएगा। तो फ्रेंड्स जो भी मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन के कैसे कर सकते हो, 2 स्टेप वेरिफिकेशन से फायदे क्या हो रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स पहले था कि हो जाता स्टार्टिंग 10 मिनट में यूट्यूब चैनल, बट लेकिन अब नहीं हो पाता। उसके लिए आपको पूरा 1 दिन का समय लग जाएगा। अगर फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके